सर्विस में सर पाई पाई जोड़ करके मैं 1974 में हुआ था, जब 210 रुपये तनख्वाह मिलती थी मेरे को। मैंने 26 साल पहले 96 में इस मकान को मैंने अधिकृत किया था जरिए इकरारनामा, और उस शख्स ने डॉक्टर मंजीत सिंह था यहाँ SDM, उसको नॉन प्लान की आबादी की रसीद में 1810 रुपये, जो आज की तारीख में 28010 रुपये होते हैं, वो जमा कराए थे उसने इसी जगह के नॉन प्लान में। इसके बावजूद मैंने इनको जब भी ये निर्माण कार्य कर रहा था, मैं RCC डालने जा रहा था, पूरा फाउंडेशन हो गया था मेरा, मकान तीन मकान, एक लेटरिन बाथरूम और ये जो अपने टैंक वगैरह पानी का नलका बिजली का सारा ये कनेक्शन वगैरह था, वो सारी चीज़ें थी। हम 25-26 साल से रह रहे हैं, उसके बावजूद हमें इन्हें नोटिस दिया कि आप मकान को बंद कर दें, हमने बंद कर दिया, नहीं काम चलाया। इसके बाद में फिर आ जाएँ, कोई दो मजदूर की इधर उधर की ईंटों को बाहर पड़ी हुई सामान को अंदर गाने, तो मतलब एक पड़ोसी ने शिकायत करने से सारी चीज़ों को, उस पड़ोसी की शिकायत से अब इन लोगों को हाई कोर्ट से स्टे वगैरह दे दिया गया, इसके बावजूद भी इनको तामील करा दिया। इसके बाद भी ये मलबा उठाने आ रहे हैं, और तो इनकी दादागिरी और मनमानी है। मकान को तोड़ दिया आपके? अब मेरा मकान को पूरा तोड़ दिया, मेरा 35 लाख का नुकसान कर दिया इन लोगों। क्या क्या सामान दबाया? इसमें सामान जेवर से लेकर के अपने फ्रिज कूलर जो भी घरेलू सामान जितने भी हैं वो सारा का सारा दबा। कार्रवाई करेंगे आप इनको? अब मैं कार्रवाई में तो स्टे जो दिया हुआ है, इनको तामील कराया है, उसमें हाई कोर्ट में वापस जाऊँगा और वापस में ये जो सारी चीज़ें उनको बताऊंगा। किसके द्वारा हुआ है ये? नगर निगम, ये नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों, JN ये तोड़ के तो गई थी पिंकी सिंगाड़िया और सीता वर्मा और पिंकी सिंगाड़िया, इनको किसने आदेश दिया था ये मुझे पता नहीं है। आज तक इन्होंने सरकारी संपत्ति के, आज क्या हुआ है? अभी मलबा लेने आए? आज मलबा लेने आए थे, पड़ोसी ने मेरे को इतला दी कि तुम्हारा मलबा ले जा रहे हैं, तुम्हारा सामान भी ले जाएंगे। ठीक है, आपका नाम? तो मेरा नाम भूमराज है।